हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला। आज के इस लेक्चर में हम लोग जनरलाइज्ड नोटेशन का जो पांचवा टॉपिक है, जिसका क्या नाम है, जनरलाइज्ड फोर्स, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, और जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट से पहले हम लोग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन और जनरलाइज मोमेंटम, इन सब चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप वो टॉपिक नहीं देखे हैं तो पहले आप उन टॉपिक को देखिए, उसका लिंक, मतलब जो क्लासिकल मैकेनिक्स के जितने भी वीडियो बनाए गए हैं उसका लिंक ऊपर आई बटन पर दिया गया है, वहाँ क्लिक करके लेक्चर को सीरियल वाइज देख सकते हैं। ओके, तो आज का जो टॉपिक होगा ये क्या होगा, जनरलाइज फोर्स होगा। मतलब जो फोर्स हम लोग का बनेगा वो किसको मिलाकर बनेगा, ये फोर्स जो बनेगा वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट को यूज करके बनेगा। जनरल फोर्स से आप फैमिलियर हैं, लेकिन अब हम लोग जनरलाइज फोर्स पढ़ेंगे तो ये क्या होगा, जनरलाइज कोऑर्डिनेट को मिलाकर बनेगा। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं। मान लीजिए एक सिस्टम है यन पार्टिकल्स का, यन पार्टिकल का सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं, यन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक, मान ले रहे हैं ये हम लोग का क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हम लोग का क्या है, जेड एक्सिस है। और मान ले रहे हैं कोई क्या है, एक पार्टिकल्स है जिसका पोजीशन क्या है, मान ले रहे हैं आईथ पार्टिकल है, तो जो इसका पोजीशन होगा, पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से, वो क्या होगा, आर आई वेक्टर होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इस आईथ पार्टिकल पर, ओके तो हम मान लेना है जो आईथ पार्टिकल है उसका जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से, वो क्या है, आर आई वेक्टर है। ऐसा पीछे भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इस आईथ पार्टिकल पर एक फोर्स लगा रहे हैं, और वो फोर्स क्या है, एफ आई है। ठीक, तो जाहिर सी बात है जब इस आईथ पार्टिकल पर एक फोर्स लगाएंगे तो इसमें क्या मान ले रहे हैं, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और उसको मान ले रहे हैं आर आई के पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आईथ पार्टिकल के पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसको हम कंसिडर कर ले रहे हैं डेल आर आई। जैसे आप पढ़े हैं 10+2 में कि अगर मान लीजिए कोई सिस्टम है, ये कोई एक मान लीजिए ब्लॉक वाला ही पढ़े हैं फ्रिक्शन वाले चैप्टर में, इस पर अगर फोर्स लगा रहे हैं और मान लीजिए ये क्या हो रहा है, इसका जो पोजीशन है फोर्स लगाने पर चेंज हो जा रहा है, इसमें यक्स डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, तो क्या होगा, एक वर्क डन होगा, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। उसी तरीके से अब हम क्या कर रहे हैं, यन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसका एक सिस्टम कंसिडर किए हैं, और एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, जो ये पार्टिकल्स हैं ये फ्री हैं फ्रॉम ऑल द कंस्टेंट्स, दिस पार्टिकल्स आर फ्री फ्रॉम ऑल द कंस्टेंट्स। ठीक, मतलब इनके ऊपर कोई कंस्टेंट नहीं लग रहा है। तो अब क्या होगा, आर आई में एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, और उसको हम क्या कर दे रहे हैं, डेल आर आई कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ है और उस पर फोर्स लगा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ क्या होगा, वर्क डन होगा, और उस वर्क डन को हम क्या कर देंगे, डेल डब्ल्यू कर देंगे। क्लियर, तो इन्हीं सब कॉन्सेप्ट को समझना है, वर्क डन और फोर्स का रिलेशन वाला जो फार्मूला, उसको अप्लाई करते हुए हम लोग जनरलाइज फोर्स तक पहुंचने का कोशिश करेंगे। ठीक, ऐसे ही जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं इसी तरह क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला बनाएंगे, क्या लिखेंगे, डेल डब्ल्यू, और इधर क्या लिखा जाएगा, यफ लिखा जाएगा यफ आई, और क्या लिखा जाएगा, डेल आर आई, और इसी से हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का गोल है जनरलाइज फोर्स, उस पर अप्रोच करने का कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि अगर एग्जाम में ये टॉपिक पूछेगा तो कैसे लिखना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हम लोग पीछे कंसिडर करते आए हैं वैसे आज भी कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कंसिडर करेंगे, और मान ले रहे हैं यन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक, तो क्या लिखे, सबसे पहला स्टेटमेंट होगा, लेट अस कंसिडर अ सिस्टम ऑफ यन पार्टिकल्स। ठीक, देखिए एक चीज छूटा हुआ है यहाँ पे, आगे यहाँ लिख दीजिएगा, एंड नो कंस्ट्रेंट्स आर, नो कंस्टेंट्स आर देयर ऑन सिस्टम, ये भी एक केस लिख लीजिएगा, तब
तब फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगा के लिखिएगा सपोज अ फोर्स, ठीक। फिर से रिपीट कर रहे हैं, लिख लीजिएगा कि लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ यन पार्टिकल्स एंड नो कंस्टेंट्स आर देयर ऑन सिस्टम। मतलब सिस्टम पे कोई कंस्टेंट नहीं है, जो सिस्टम है, जो पार्टिकल्स हैं, वो कंस्टेंट से मुक्त हैं, फ्री फ्रॉम कंस्टेंट्स हैं, क्लियर। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, सपोज अ फोर्स एफ आई, और इसको क्या कर रहे हैं, आई इक्वल टू वन से यन तक वेरी करा रहे हैं। मतलब आईथ पार्टिकल पे जो लगने वाला फोर्स है वो क्या है, एफ आई है। तो अगर पूरे सिस्टम के लिए कंसिडर करेंगे तो समेशन लगाना पड़ेगा, तो समेशन लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, समेशन आई वेरी फ्रॉम वन टू यन एफ आई वेक्टर, क्लियर। तो ये क्या करेगा, इसमें पूरे पूरे जितने भी पार्टिकल हैं एन पार्टिकल, उसमें लगने वाले फोर्स क्या हो जाएंगे, समाहित हो जाएंगे इसके अंदर। तो ये क्या हो गया, पूरे सिस्टम पर लगने वाला फोर्स हो गया, क्लियर। तो क्या हो गया, समेशन आई वेरी फ्रॉम वन टू एन एफ आई इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। जैसे ही फोर्स सिस्टम पर लगा, क्या होगा, फोर्स लगेगा तो एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेगा, क्या लिखेंगे, काजिंग एंड आर्बिट्रेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल आर आई। तो क्या होगा, ये फोर्स लग रहा है सिस्टम पे, तो एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल आर आई क्रिएट करेगा ऑफ द सिस्टम। और जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ वहाँ वर्क डन होगा। तो क्या लिखेंगे, बाई डूइंग वर्क डन डेल डब्लू विच इज गिवेन बाई। अब इसको कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली, ये लाइन फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे, ये छूट गया था यहाँ पे। क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ यन पार्टिकल्स, उसके बाद लिखना एंड नो कंस्ट्रेंट्स आर देयर ऑन सिस्टम, ठीक। नो कंस्ट्रेंट्स आर देयर ऑन सिस्टम मतलब सिस्टम के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं लग रहा है। और फिर क्या करेंगे, लिखेंगे फुल स्टॉप लगा के सपोज अ फोर्स, सपोज अ फोर्स एफ आई, उसके ऊपर समेशन लगाए हैं, क्योंकि पूरे सिस्टम के ऊपर लगने वाले फोर्स को हम कंसिडर कर रहे हैं, तो समेशन लगाना पड़ेगा, हर एक फोर्स का सम लेना पड़ेगा, हर एक पार्टिकल के ऊपर लगने वाले फोर्स का सम लेना पड़ेगा। तो आई इक्वल टू वन टू एन एफ आई ले लिए, इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, और आगे आप देख ही रहे हैं, ठीक। तो अब क्या होगा, ये वर्क डन होगा, जब फोर्स लगा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दिस मीन्स दैट देयर विल बी द वर्क डन। तो ये वर्क डन क्या होगा, इसको कैसे देंगे, क्या लिखेंगे, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू समेशन, समेशन आई वेरी फ्रॉम वन टू एन एफ आई, आई वेरी फ्रॉम वन टू एन एफ आई वेक्टर, क्लियर। और साथ में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डेल आर आई वेक्टर, ठीक। ये हम लोग का क्या हो गया, वर्क डन मिल गया। अगर सिस्टम पर एफ आई फोर्स लग रहा है, डेल आर आई क्या हो रहा है आपका, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो जो वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, और उसका वैल्यू क्या होगा, डेल डब्ल्यू इक्वल टू समेशन आई वेरी फ्रॉम वन टू एन एफ आई वेक्टर डॉट डेल आर आई वेक्टर, ओके। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, इसको कह देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, डेल आर आई से आप परिचित हैं, डेल आर आई से आप अच्छे तरीके से परिचित हैं। ये जो डेल आर आई है, हम लोग इसको जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट में यूज किए हैं, क्योंकि हमको फोर्स को जनरलाइज फोर्स में बताना है, जनरलाइज फोर्स है, इसलिए कहीं ना कहीं हमको जनरलाइज क्वांटिटी यूज़ करना पड़ेगा। तो उसका एकमात्र हमारे पास टेक्निक था कि वर्क डन ऐसा क्रिएट कर दें कि यहाँ जनरलाइज क्वांटिटी आने लगे, और जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट आ गया, और जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट को जनरलाइज क्वांटिटी टर्म में क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक। यहाँ तक नोट कर लीजिए, अब देखिए इसके आगे लिखेंगे, वी नो दैट क्या हम जान रहे हैं, डेल आर आई वेक्टर इज इक्वल टू समेशन जे वेरी फ्रॉम वन टू थ्री एन करली आर आई ओवर करली क्यू जे इंटू डेल क्यू जे। देखिए, आप हो सकता है वहाँ पे के करके पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप के इक्वल टू वन टू थ्री एन भी लिख सकते हैं, के जे कोई इंडिसेस लेके चल सकते हैं, क्योंकि ये सब तो डमी इंडिसेस हैं। जो मेन मुद्दा हमारा है क्यू से है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे क्यू को ही क्या किया है, जनरलाइज क्वांटिटी के टर्म में डिनोट करते हैं, बताए थे, ठीक।
तो ये क्या हो गया, जे इक्वल टू 1 to 3 n मान लिए, करली आर आई ओवर करली क्यू जे, और इसके साथ क्या करेंगे, डेल क्यू जे का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये जो डेल आर आई था, जो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट था, जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट था, उसको हम लोग जनरलाइज कोऑर्डिनेट के टर्म में अभिव्यक्त कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे, इसको मैं पहले मिटा देता हूँ। ठीक, इसके बाद इसके नीचे लिखिएगा, जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ। क्या लिखूँगा, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 कामा वी हैव। ठीक, समीकरण नंबर 2 को समीकरण 1 में यूज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अब इस चीज़ को देखा जाएगा। इधर क्या हो जाएगा आपका, डेल W ठीक इक्वल टू समेशन आई वैल्यू फ्रॉम 1 to n। देखिए एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ यहाँ पे, जब आप जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट पढ़े होंगे तो यहाँ जे इक्वल टू 1 से f या हो सकता है k इक्वल टू 1 से f पढ़े होंगे। ठीक, मैं k इक्वल टू 1 से f ही पढ़ाया हूँ। ठीक, तो यहाँ f ना लिख के हम 3 n लिख रहे हैं। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या होता है, 3 n - n या 3 n - q, ये क्या है, कंस्टेंट है, ऐसे आप n कहिए नहीं तो आप कन्फ्यूज होंगे, क्योंकि जनरलाइज कोऑर्डिनेट भी q को हम मान के चलते हैं। ठीक, ये क्या है आपका 3 n - n, ये क्या होते हैं, कंस्टेंट होते हैं। जब डिग्री ऑफ फ्रीडम में से कंस्टेंट को निकालते हैं तो आपका वैल्यू मिलता था, लेकिन वहाँ अब क्या है, यहाँ पे जो हम केस माने हुए हैं, इस केस में क्या है, साफ साफ हम लिखे हैं कि इस पे कोई कंस्टेंट नहीं लग रहा है, कोई प्रतिबंध नहीं लग रहा है। दिस मीन्स दैट द स्मॉल n विल बी इक्वल टू 0, दैट्स वाई वी कैन राइट f इक्वल टू 3 n। ओके, तो f के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 n लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है, जो सिस्टम कंसिडर किए हैं, ये फ्री है फ्रॉम ऑल द कंस्टेंट्स। ओके, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या फिजिकल टू 3 n हम यहाँ लिख सकते हैं। ओके, अब कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे क्या होगा, अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, पहले इस समेशन को लिख लिए हम। ठीक, फिर क्या करेंगे, ये वाला समेशन लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, जे इक्वल टू 1 to 3 n, समेशन को एक पास लिख लिए, और फिर यहाँ पे अब क्या लिख रहे हैं हम, fi, ठीक, fi वेक्टर, और इसके वैल्यू को अब लिख दे रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, करली आर आई ओवर करली क्यू जे, और यहाँ क्या हो जा रहा है, डेल क्यू जे। क्लियर है, करली आर आई ओवर करली क्यू जे इंटू डेल क्यू जे हम लिख लिए। ओके, अब एक इसमें हम पुट करेंगे, एक सेटिंग करेंगे इसमें, अब देखिए क्या करेंगे, दिए गए वैल्यू में ये वाला टर्म और ये टर्म जो है, इन सब के जगह हम एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे। मैं लिख रहा हूँ उसको, आप देखिएगा क्या लिखेंगे, समेशन जे इक्वल टू 1 to 3 n, और क्या लिखेंगे, क्यू जे, कैपिटल क्यू जे लिख रहे हैं, और साथ में क्या लिखेंगे, डेल क्यू जे। ठीक, यही जो क्यू जे होता है आपका, यही कैपिटल क्यू जे जो होता है आपका, क्या होता है, जनरलाइज्ड फोर्स होता है। ओके, तो यहाँ बता देंगे, नीचे लाइन में बता देंगे, वेयर क्यू जे इज इक्वल टू, क्यू जे के जगह क्या क्या पुट, किसके जगह क्यू जे पुट किए हैं, समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 to n, और फिर क्या है वैल्यू, fi करली आर आई ओवर करली क्यू जे, इसके जगह हम क्या पुट किए थे, क्यू जे पुट किए थे इन वैल्यू के जगह। तो ये इसके जगह क्यू जे लिख दिया, यही क्यू जे जो होता है इज कॉल्ड, ठीक, वेयर क्यू जे इक्वल टू इतना, इज कॉल्ड जनरलाइज्ड फोर्स, इसी को हम क्या कहते हैं, जनरलाइज्ड फोर्स कहते हैं। ठीक,
इस तरीके से हम लोग जनरलाइज फोर्स को भी कवर कर लिए। अब अगले सेशन में हम लोग जनरलाइज पोटेंशियल को भी देखेंगे और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो लगभग 80% फिनिश हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका, जनरलाइज फोर्स हो गया। ओके, तो QJ इक्वल टू समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 टू n एफ आई कर्ली आर आई ओवर कर्ली QJ इज कॉल्ड जनरलाइज फोर्स। ठीक, आप यहाँ अगर Q के लिए रहते Q के आता। ठीक, अधिकतर बुक QJ प्रीफर किया इसलिए मैं भी QJ प्रीफर कर दे रहा हूँ, आप Q के लेकर भी चल सकते हैं। ओके, अब अगले सेशन में हम लोग जनरलाइज पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब इस सेशन में हम लोग जनरलाइज पोटेंशियल के बारे में देखेंगे और ये जनरलाइज नोटेशन का लास्ट टॉपिक है, छठवां टॉपिक है, और ये क्या है आपका, जनरलाइज पोटेंशियल। ओके, तो अब हम देखेंगे कि जनरलाइज पोटेंशियल क्या होता है। तो देखिए, पोटेंशियल का फोर्स के साथ रिलेशन होता है। तो फोर्स आपको पता है कंजर्वेटिव हो सकते हैं और नॉन कंजर्वेटिव हो सकते हैं, तो दोनों केस हम इसमें कंसिडर करेंगे। पहला केस जो कंसिडर कर रहे हैं वो क्या कंसिडर कर रहे हैं कि इफ़ द सिस्टम इज कंजर्वेटिव, मतलब जो हम फोर्स वगैरह अप्लाई कर रहे हैं अगर कंजर्वेटिव है तो क्या होगा, पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा जनरलाइज का। और दूसरा करेंगे कि जब सिस्टम क्या होगा आपका, नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मीन्स आपको पता है जब फोर्स अप्लाई करें तो जो वर्क डन हो वो आपका पाथ इंडिपेंडेंट हो, बस इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर डिपेंड करे, तो वो क्या है आपका, कंजर्वेटिव है। और पाथ डिपेंडेंट होगा तो नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम्स होगा। ठीक, तो पहला कंजर्वेटिव सिस्टम जो हम यूज कर रहे हैं। ठीक, अब इसमें हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि इन दिस केस द फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑन आईथ पार्टिकल कैन बी एक्सप्रेस एज ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल फंक्शन भी, दैट इज एफ आई वैक्टर इजकल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट भी। ठीक, आई आई इसलिए यूज कर लिए हैं क्योंकि आईथ पार्टिकल, हम आईथ पार्टिकल का फोर्स यहाँ बता रहे हैं। क्लियर, तो देखिए आप मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़े हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में कि अगर फोर्स आपका कंजर्वेटिव है तो जो एफ को हम कैसे लिखते थे, एफ इजकल टू क्या होता था, माइनस ग्रेडियंट ऑफ भी होता था। आप इसको इंटर में भी अच्छे से पढ़ रखे हैं। ठीक, इंटर में पढ़े ना, एफ इजकल टू क्या पढ़ते थे, माइनस डेल वी बाई डेल आर पढ़ते थे। तो वही चीज़ हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि अगर आपका फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। बस यहाँ पे क्या किए हैं, नीचे आई आई लिख दे रहे हैं क्योंकि हम मान ले रहे हैं कि जो आई एथ पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या एफ आई है, और ये क्या है आपका, माइनस ग्रेडियंट ऑफ आई और ग्रेडियंट आई और वी है। क्लियर है, ये आपका इस वेक्टर क्वांटिटी है और वी क्या आपका स्केलर क्वांटिटी। ओके ओके, अब देखिए ये एफ आई फोर्स क्या लग रहा है, उस पर अप्लाई हो रहा है, तो जो एफ आई फोर्स अप्लाई होगा क्या होगा, एक वर्क डन होगा। तो अब हम लोग लिखेंगे द वर्क डन बाय द फोर्स, द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द सिस्टम ड्यूरिंग द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द सिस्टम ड्यूरिंग एन आर्बिट्रेरी डिस्प्लेसमेंट, ड्यूरिंग एन आर्बिट्रेरी डिस्प्लेसमेंट डेल आर आई इज गिवेन बाई। अब हम क्या मान रहे हैं कि जो वर्क डन हो रहा है इस फोर्स एफ आई द्वारा ऑन द सिस्टम, आप ऐसे लिख सकते हैं द फोर्स एफ आई लिख सकते हैं। ठीक, द वर्क डन बाय द फोर्स एफ आई ऑन द सिस्टम ड्यूरिंग एन आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट डेल आर आई इज गिवेन बाई, इसको कैसे हम देंगे, अभी इसके पीछे ही देखे थे क्या हो जाएगा, डेल डब्ल्यू लिख लिए इधर, और ये क्या हो जाएगा आपका, इधर क्या लिखेंगे, समेसन आई इक्वल टू वन टू एन, और ये क्या हो जाएगा, पूरा फोर्स लिखेंगे सिस्टम पे, क्योंकि सिस्टम का नाम दिए, सिस्टम के वर्क डन का बात कर रहे हैं। डेल आर आई, एक स्टेटमेंट आप यहाँ और भी ऐड कर दीजिए, डेल आर आई ऑफ द सिस्टम लिख दीजिए तो और अच्छा हो जाएगा, ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाई। अब देखिए थोड़ा सेंटेंस क्या है, अच्छा है। ठीक,
ऑफ द सिस्टम इज गिवेन बाय, ये क्या हो रहा है, एफ आई एक वर्क डन हो रहा है, एफ आई क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ समेशन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे बस सिंगल पार्टिकल की बात किए थे, एफ आई से काम चल गया था, लेकिन यहाँ पे पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, एफ आई और समेशन आई इक्वल टू वन टू एन, ये क्या हो गया, फोर्स हो गया, और साथ में क्या हो जाएगा आपका डेल आर आई, ठीक, ये क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये क्या हो गया आपका फोर्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में यूज करेंगे, मतलब एफ आई का वैल्यू उठाकर लाएंगे यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से, और इक्वेशन टू में क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर, तो सब एक बार और रिपीट कर देता हूँ जो यहाँ अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल डिफाइन करते टाइम दोनों टाइप का फोर्स कंसिडर करेंगे, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दोनों, ठीक। तो पहला केस कंसीडर कर रहे हैं कि जो हमारा सिस्टम है क्या कंजर्वेटिव है, तो जब कंजर्वेटिव सिस्टम होगा तो आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में और इंटर में पढ़ चुके हैं कि जब कंजर्वेटिव फोर्स होता है उस फोर्स को ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि इन दिस केस द फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑन आईथ पार्टिकल कैन बी एक्सप्रेस एज ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल फंक्शन भी, दैट इज अर्थात एफ आई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट आई भी। ये आई क्या बता रहा है, जो नीचे सफिक्स आई यूज किए हैं ये बता रहा है कि फोर्स आईथ पार्टिकल पे है, और ये क्या है ग्रेडियंट है किसका, आईथ पार्टिकल का, और ये क्या आपका भी जो है स्केलर पोटेंशियल फंक्शन है, ठीक। तो अब जब ये फोर्स अप्लाई हो रहा है तो जब फोर्स लगेगा सिस्टम पे तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, और जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो वहाँ कुछ ना कुछ क्या होगा, वर्क डन होगा। तो अब क्या लिखेंगे, जो अगला स्टेटमेंट हम लोग का होगा, लिखेंगे द वर्क डन बाय द फोर्स एफ आई ऑन द सिस्टम ड्यूरिंग एन आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट डेल आर आई ऑफ द सिस्टम इज गिवेन बाय, जब एफ आई सिस्टम पर लगा रहे हैं तो उस दरमियान क्या हो रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट डेल आर आई हो रहा है सिस्टम का, तो उसको कैसे देंगे, डेल आर आई इक्वल टू एफ आई, अब पूरे सिस्टम का बात करेंगे तो आई इक्वल टू वन टू एन एफ आई हो गया वेक्टर इनटू डेल आर आई हो गया, ठीक। इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, ओके। अब क्या करेंगे, इस एफ आई का वैल्यू लाकर यहां यूज करेंगे, ठीक। देखिए इक्वेशन फर्स्ट इरेज कर दिए हैं, आप देख लीजिएगा जो लिखे हुए हैं, लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड कामा वी हैव, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन आई फ्रॉम वन टू एन, ठीक। अब जो एफ आई का वैल्यू क्वेश्चन फर्स्ट में क्या था, माइनस ग्रेडियंट ऑफ आई इंटू ग्रेडियंट ऑफ आई और वी था उसके साथ, तो माइनस साइन बाहर कर दिए हम, और यहाँ क्या माइनस साइन बाहर कर दिए, यहाँ लिख दिए ग्रेडियंट ऑफ आई भी, और उसके साथ फिर क्या लिख दे रहे हैं यहाँ पे इंटू डेल आर आई वेक्टर, ठीक। ये चीज़ हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पर लिख दिए, ओके। अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, तो चलिए सबसे पहले इसको नीचे का हटा देते हैं, अब देखिए आपको पता है कि जो ग्रेडियंट का वैल्यू होता है ये सब वैल्यू आप जान रहे हैं, चलिए लिखते हैं, यहां डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं माइनस साइन समेशन आई इक्वल टू वन टू एन, ठीक। अब ग्रेडियंट का वैल्यू हम लिख सकते हैं, क्या होता है ग्रेडियंट वैल्यू, आई कैप कर्ली यक्स प्लस जे कैप कर्ली ओवर कर्ली वाई प्लस के कैप कर्ली ओवर कर्ली जेड, ठीक। ये वैल्यू हम क्या करेंगे इसमें लिख देंगे, ओके। साथ ही साथ देखिए एक चीज़ हम लोग को और यहाँ पे ऐड करना है, जो ग्रेडियंट है वो आईथ पार्टिकल के लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा क्या हो जाएगा, एक्स आई हो जाएगा, यहाँ पे वाई आई हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, जेड आई हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पीछे देखे थे कि जो आर वेक्टर होता है पोजिशन वेक्टर, उसका वैल्यू क्या होता है, एक्स आई कैप
yj cap और क्या होता है जेड के कैप होता है। ये चीज़ क्लियर है आपको? तो जब डेल आर आई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल आर आई वेक्टर जो होगा डेल एक्स और यहाँ आई है तो यहाँ आई हो जाएगा, यहाँ भी आई हो जाएगा, आई कैप प्लस डेल वाई आई जे कैप प्लस डेल जेड आई के कैप। ठीक, ये वैल्यू क्या होगा, निकल कर आएगा यहाँ से। तो अब इस वैल्यू को भी क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, इसमें ये आर इज्कल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के था, इसमें स्मॉल चेंज करना है, सब में स्मॉल चेंज हो जाएगा। और आईथ पार्टिकल के लिए यहाँ लिखें, आई लिखें, तो यहाँ भी हमको सबके सब इसमें क्या करेंगे, आई को हम लिखेंगे। ओके, तो इसके साथ क्या लिखेंगे, इन टू, यहाँ तो भी देखिए एज इट इज रहेगा। ठीक, इसके साथ भी रहेगा। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, इसके वैल्यू को लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल एक्स आई आई कैप, फिर क्या हो जाएगा, डेल वाई आई जे कैप, फिर क्या हो जाएगा, डेल जेड आई के कैप। क्लियर है? अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अंदर ला रहे हैं भी को, तो जब भी को अंदर लाएंगे तो क्या होगा, पहले उसे इसको देख लिया जाए। डेल डब्ल्यू इजकल टू, ये क्या हो गया, समेसन आई इजकल टू वन टू एन, और इधर क्या हो जाएगा आपका भी को, अब क्या कर रहे हैं, अंदर यहाँ लेकर आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आई कैप करली भी ओवर करली एक्स आई प्लस जे कैप करली भी ओवर करली वाई आई प्लस के कैप, क्या हो जाएगा, करली भी ओवर करली जेड आई। ठीक, इनटू डॉट प्रोडक्ट उसका हो रहा है किसके साथ, ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट, देखिए डॉट साइन लगा के आ रहे हैं यहाँ शुरू से, ये क्या हो जाएगा, डेल एक्स आई आई कैप प्लस डेल वाई आई जे कैप प्लस डेल जेड आई के कैप। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसका वैल्यू क्या निकल के आता है। ठीक, तो अब इन दोनों का एक वेक्टर ये हो गया, ये पूरा एक वेक्टर हो गया, एक वेक्टर ये इधर हो गया। ठीक, इसको आगे क्या करेंगे, अब सिंप्लीफाई करने का कोशिश करेंगे, तो डेल डब्ल्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस समेसन आई इजकल टू वन टू एन। अब देखिए आई का जब प्रोडक्ट करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है इसका तीनों में प्रोडक्ट होगा, फिर सेकेंड टर्म का तीनों में होगा और फिर थर्ड टर्म का तीनों में होगा, लेकिन आपको पता है कि आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के का वैल्यू वन होता है, और बाकी इसके अलावा कोई भी कम्बिनेशन आ जाए, चाहे आई डॉट जे आ जाए, चाहे जे डॉट आई आ जाए, चाहे जे डॉट के आ जाए, चाहे के डॉट जे आ जाए, चाहे के डॉट आई आ जाए, कोई भी अगर इंडिसेस आ जाए तो अलग अलग, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा हमेशा जीरो होगा। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब तो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि आई डॉट जे डॉट आई डॉट के डॉट आएगा तो जीरो कर देगा, बस ये पहला टर्म बचेगा, क्योंकि आई डॉट क्या हो जाता है, वन हो जाता है। ठीक, तो ये सब चीज़ तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे, करली वी ओवर करली एक्स आई, ये क्या हो जाएगा, डेल एक्स आई, फिर क्या हो जाएगा, करली वी ओवर करली वाई आई, और इधर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इतना चीज़ समझ रहे होंगे, करली वाई आई, क्योंकि जे के साथ जे का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वन हो जाएगा और बाकी के साथ वनिश हो जाएगा, और इधर देखिए क्या होगा, करली वी ओवर करली जेड आई, और ये क्या हो जाएगा, डेल जेड आई। ठीक, बाकी k का k के साथ 1 होगा और k का i के साथ k का z के साथ जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो भी वैनिश हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से क्या हो गया, ये हम लोग का एक इक्वेशन मिल गया। ठीक, जब इसको हम लोग सॉल्व किए, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ओके, यहाँ तक आप नोट करिए। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन 3 जो आपका है, इसमें जो वर्क डन है, ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक, जो वर्क डन है कार्टेशियन फॉर्म में आया है, उसी तरीके से अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें जनरलाइज कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, तो क्या लिख सकते हैं, डेल डब्ल्यू इजकल टू माइनस समेसन जे इजकल टू वन टू थ्री एन डेल करली भी ओवर करली क्यू जे डेल क्यू जे। ठीक, यहाँ वन से एन लिखे थे क्योंकि जनरल कॉर्डिनेट यूज किए थे, लेकिन जैसे ही हम जनरलाइज कॉर्डिनेट यूज करेंगे तो जो हमारा सिस्टम है वो कॉन्स्टेंट फ्री सिस्टम है, तो हाँ जे इजकल टू वन टू एफ यूज करते थे पहले, तो अब यहाँ क्या करेंगे, जे इजकल टू वन टू थ्री एन यूज कर लेंगे, जहाँ पे थ्री एन क्या बताएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम बताएगा।
ठीक, जब उसके ऊपर कोई कंस्टेंट ना लगा हो उस केस में। तो जब जनरलाइज क्वाड्रेंट यूज किए हैं तो यहाँ 3N यूज करेंगे, N न यूज करके, क्योंकि वहाँ हम 3N या F वाला लिमिट यूज करते थे, आपको पीछे याद होगा। ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम में ये चीज़ गलत ना हो। ओके, क्यों 3N यूज किए, फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब जनरलाइज क्वाड्रेंट यूज करेंगे तो इंडिसेस क्या होंगे, जो लिमिट होगा इसका वो क्या होगा, चेंज होगा। J=1 से N ना होकर क्या होगा, J=1 to 3N होगा, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम की हम बात करते हैं, वही तो हमारा डिसाइड करता है कि कितने जनरलाइज क्वाड्रेंट होंगे। ठीक, तो अगर आप जनरलाइज क्वाड्रेंट देखें हैं तो यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें क्या था, नॉर्मली हम 1 से N यूज कर रहे थे क्योंकि ये जनरल कार्टेशियन क्वाड्रेंट यूज कर रहे थे। ओके, अब देखिए इसके आगे हम ऊपर लिखे हुए हैं, कन्फ्यूज नहीं होगा, जगह कम है इस वजह से, और टाइम बचाने के लिए मैंने इसको पहले से लिख दिया, बस फिर समझाना है आपको। ओके, तो अब देखिए ये ऊपर यहाँ आएंगे नोट्स में, इसके नीचे ये वाला लाइन लिखिएगा। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, ∇W=J=1 to N 3N - curly V / curly QJ ∇QJ। क्लियर है इतना चीज़। अब क्या करेंगे, ये देखिए जो फोर्स होता है, सॉरी जो वर्क डन होता है, आपको पता है कि वर्क जो होगा वो क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, जो वर्क डन है वो कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से जो कर्ली वी ओवर कर्ली क्यूजे है ये क्या है, आपका एक फोर्स की तरह काम कर रहा है। तो ये बता देंगे, वेयर क्यूजे -curly V / curly QJ रिप्रेजेंट्स द जनरलाइज फोर्स एज द वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, क्योंकि जब वर्क डन है तो जाहिर सी बात है जो राइट हैंड साइड में, ये क्या आपका डिस्प्लेसमेंट है, जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, तो राइट हैंड साइड में जब हम यूज कर रहे हैं इस वैल्यू को, तो इधर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो बाकी जो ये अमाउंट बचा हुआ है इसको क्या कहेंगे, हम फोर्स ही कहेंगे। तो कैसा फोर्स है, जनरलाइज क्वांटिटी इसमें लगा हुआ है, इसलिए क्या कहेंगे, जनरलाइज फोर्स कहेंगे। तो वही चीज़ बस लिख दिया गया है स्टेटमेंट के फॉर्म में कि वे आर QJ = -curly V / curly QJ रिप्रेजेंट्स द जनरलाइज फोर्स एज द वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हियर। और यहाँ पे जो ये भी होगा, भी इज कॉल्ड कैपिटल भी है, ये कैपिटल भी जो है आपका, ये क्या कहलाएगा, जनरलाइज पोटेंशियल कराएगा फॉर अ कंजर्वेटिव सिस्टम। ओके, अब सेकेंड केस हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो फिर हम लोग नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम पे चलेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग इसमें सेकेंड केस डिस्कस करेंगे जो क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वाला होगा, मतलब अब जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पाथ डिपेंडेंट होगा। ओके, तो इस केस में देखिए क्या होता है, इन दिस केस सिस्टम आल्सो डिपेंड ऑन जनरलाइज वेलोसिटी क्यूजे डॉट बिसाइड्स क्यूजे। इस केस में जो सिस्टम होता है क्यूजे के अलावा जो जनरलाइज वेलोसिटी क्यूजे डॉट है उस पर भी डिपेंड करता है। इसका मतलब अब जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इस केस में वो क्या होगा, क्यूजे का तो फंक्शन होगा जनरलाइज क्वांटिटीज का, साथ ही साथ जनरलाइज वेलोसिटी का भी फंक्शन होगा। तो अब देखिए, इन दिस केस द जनरलाइज फोर्स कैन बी एक्सप्रेस एज QJ = -curly U / curly QJ + d/dt of curly U / curly U / curly QJ dot। ठीक, ये चीज़ आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस एक्सप्रेशन हम दिमाग में रखिएगा। ठीक, तो ये एक्सप्रेशन मिलता है जनरलाइज फोर्स का जब नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम होता है। ठीक, और हम बता देंगे वेयर, अब इस केस में जो जनरलाइज पोटेंशियल है उसको हम U से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो पिछला केस था उसमें हम देखे थे जो QJ था पिछले केस में वो क्या था, कर्ली भी ओवर कर्ली QJ था। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो जनरलाइज पोटेंशियल है वो क्या है, QJ का तो फंक्शन है, QJ डॉट का ही फंक्शन है, इस वजह से अब उसको मैंने दूसरे फॉर्म में लिख दिया, दूसरे फॉर्म से रिप्रेजेंट कर देंगे और उसको क्या कहेंगे, U कहेंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे, वेयर U = फंक्शन किसका है, QJ डॉट का, इस कॉल जनरलाइज वेलोसिटी डिपेंडेंट, इसको क्या कहेंगे कि जनरलाइज वेलोसिटी डिपेंडेंट जनरलाइज पोटेंशियल है फॉर अ सिस्टम ऑफ नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। ओके,
तो इस तरीके से हम लोग कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए और नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए जनरलाइज पोटेंशियल भी देख लिए, और इस तरीके से आज ये जनरलाइज नोटेशन वाला टॉपिक हम लोग का फिनिश हो गया। अब कल से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।